हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, मेरा एक वीडियो है टिश्यू पेपर आर्ट से जो मैंने बनाया है, वो आप लोगों ने बहुत पसंद किया है। उसके अंदर मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि आप टिश्यू पेपर से और भी नई नई तरह की चीजें बनाकर दिखाइए। तो आज मैं आप सबकी ही पसंद पर एक वीडियो लेकर आ रही हूँ टिश्यू पेपर आर्ट। आज का जो टिश्यू पेपर आर्ट का वीडियो है, उसके अंदर जो लुक है वो एकदम कार्पेट लुक है। बहुत सुंदर तरीके से आज का मैंने ये वीडियो बनाया है। इसके अंदर मैंने गोल्डन इफेक्ट दिया है, साथ में हमने मिरर भी लगाए हैं। और आज का जो आर्ट बना रहे हैं वो इन पीस के ऊपर बना रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि इनका बनेगा क्या, ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिए, क्योंकि जो भी आप उसके अंदर सीखेंगे शायद वो आगे जाके आपके काम आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत बारिश हो रही है और पहली बार हमारे यहाँ रेनी सीजन में बारिश हो रही है, तो हमें अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैं अपनी बालकनी में ही हमेशा वीडियो बनाती हूँ, तो बाहर बारिश हो रही है और यहाँ मैं बैठ करके वीडियो बना रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज मैं इन चार बोर्ड पर आर्ट बना रही हूँ। तो यहाँ सबसे पहले मैंने डिजाइन को ड्रॉ किया है। डिजाइन ड्रॉ करने के लिए फ्रेंड, सबसे पहले मैंने सर्कल का निशान बनाया है और उसके बाद में छोटा सर्कल है, फिर बड़ा सर्कल, फिर उससे बड़ा सर्कल। मेरे को अपनी डिजाइन में जितनी दूरी रखनी है उस हिसाब से मैंने सर्कल बना लिए है और जो डिजाइन की कटिंग है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आज का पूरा डिजाइन बनाया है। मांडला डिजाइन है तो मैंने डायरेक्ट ड्रॉ किया है, क्योंकि ऊपर डिजाइन कटा हुआ था, उसी से मुझे बहुत ईजी हो गया डिजाइन को बनाना। बीच बीच में मैंने कहीं कहीं कंगूरे भी बनाए हैं और ऊपर की साइड मैंने थोड़ा स्पेस ज्यादा दिया है और उसमें अंदर मैंने कैरी बनाई है। कैरी बनाने के लिए मैंने यहाँ एक कैरी को काट लिया, उसके बाद में इस तरीके से रखकर कैरी को ड्रॉ कर लिया है। इससे क्या हुआ कि सारी कैरी एक जैसी आ गई, क्योंकि इससे हमारी छोटी और बड़ी नहीं बनी। और डिजाइन ड्रॉ हो जाने के बाद अब करेंगे हम आर्ट। आर्ट मैं आज टिश्यू पेपर से कर रही हूँ। टिश्यू पेपर को कैसे तैयार किया जाता है, वैसे तो मैंने एक वीडियो है जिसमें मैंने पूरा बताया है कि टिश्यू पेपर को कैसे तैयार किया जाता है। पहले हमें टिश्यू पेपर को पानी में भिंगोना होता है, 2-3 घंटे भिंगोने के बाद में मिक्सी में पीस लेंगे और मिक्सी में से निकालने के बाद फ्रेंड्स उसे अच्छी तरह से निचोड़ कर एक बाउल में ले लेंगे। उसके अंदर हम फेविकोल और कलर मिलाएंगे और बस तैयार है आर्ट करने के लिए हमारा टिश्यू पेपर पेस्ट। आप चाहे तो मेरी ये वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। तो आज मैंने कई कलर के पेस्ट बनाए हैं, जैसे जैसे मैं लगाती जाऊंगी आपको पता चलता जाएगा कि आज मैंने कितने सारे कलर लिए हैं। सबसे पहले हमने रेड कलर के टिश्यू पेपर पेस्ट लगाया है और उसके बाद में मैंने एक लाइन को प्लेन छोड़ा है, वहाँ मैंने थोड़ा कलर कर दिया है और उसके बाद किया है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर का टिश्यू पेपर जो हमने लगाया है वो थोड़ा थिक लगाया है, वैसे तो मैंने आज की आर्ट में बहुत ही थिक पेस्ट लगाया है। और ऑरेंज कलर करने के बाद उसके बाद जो लाइन है उसे मैंने छोड़ दिया है और थोड़ी देर में हम उसे भी कंप्लीट करेंगे। उसके ऊपर जो मैंने बिग कंगूरे बनाए हैं, जो मांडला का डिजाइन होता है उसी तरीके का एक कंगूरा बनाया है, उसके अंदर मैंने लाइट और डार्क येलो कलर दिया है। अच्छा, टिश्यू पेपर के अंदर भी आप कई कलर बना सकते हैं अपनी पसंद से, लाइट डार्क जैसा चाहे वैसा आप इसको यूज कर सकते हैं। इसकी आर्ट बहुत सुंदर बनती है। बस इसी तरीके से हमें पूरे अपने पेस्ट को रखते जाना है और टूथपिक से सेट करते जाना है। थिकनेस को ध्यान रखिए कि एक जैसी रखें। अगर हम एक जैसी थिकनेस रखेंगे तो हमारी जो आर्ट है वो अच्छी दिखेगी। अगर आपको कोई चीज नीचे रखनी है, कोई ऊपर रखना है, 3D लुक देना है, तो पेस्ट को कम और ज्यादा लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो येलो वाला दिया है, लाइट येलो और डार्क येलो, तो यहाँ मैंने डार्क येलो को थोड़ा सा ऊंचा रखा है और लाइट येलो को थोड़ा नीचा रखा है, तो इसके बाद में एक 3D लुक दिख रहा है। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा डिफरेंट लुक दिया है। तो अगर आपको इस तरह का वीडियो पसंद है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, तो मैं और भी तरह तरह से इस आर्ट को लेकर आऊंगी। और लाइट और डार्क येलो कलर देने के बाद नीचे हमने जो जगह छोड़ी थी वहाँ छोटा कंगूरा बनाया है और वहाँ मैंने लाइट ऑरेंज कलर किया है। पहले मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं यहाँ क्या कलर करूँ,
लेकिन जब मैंने येलो का भी शेड दे दिया, नीचे ऑरेंज का शेड दिया, तो मुझे लगा अब दूसरा कलर तो नहीं जाएगा, तो मैंने यहाँ पर लाइट ऑरेंज कलर दिया है जो काफी अच्छा लग रहा है। आज हमने दोनों एक लाइट और डार्क ऐसे ही कॉम्बिनेशन में आर्ट बनाई है पूरी। अगर मैंने कोई एक कलर लाइट लिया है तो उसी का मैंने डार्क लिया है। और जब तक हमारा ये डिजाइन ड्राई हो रहा है तब तक हम ऊपर का डिजाइन बना लेते हैं। हमने जो कैरी बनाई है उनके बीच में मैंने बिग कैरी शेप मिरर लगाया है, लेकिन इस आर्ट के अंदर मुझे लग रहा है बहुत ही खूबसूरत लगेगा। और उसके चारों तरफ किया है डार्क ग्रीन कलर, यानी कि डार्क ग्रीन कलर के पेस्ट से हमने उसे फिल किया है। आज मैंने टिश्यू पेपर थोड़ा थिक लगाया है और डार्क के बगल में जब लाइट ग्रीन कलर किया तो एकदम कारपेट लुक जैसा दिख रहा है, क्योंकि जब हम थिक पेपर लगा रहे हैं तो वो जो उठा हुआ आ रहा है वो बहुत अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं कि मैं तो यहाँ देख रही हूँ लेकिन मुझे वीडियो में भी दिख रहा है तो काफी थिक और अच्छा दिख रहा है। और येलो के ऊपर डार्क पर्पल कलर दिया है और बगल से दिया है लाइट पर्पल कलर। सारे कलर बहुत ही खिल के दिख रहे हैं, क्योंकि मैंने आज सोचा था कि जो हम डिजाइन बना रहे हैं थोड़ा थिक बनाएंगे, जो कारपेट होता है उसी की तरह दिखना चाहिए। और लास्ट में ग्रीन कलर के ऊपर लाइट स्काई ब्लू कलर किया है। उसके बाद मैंने प्लेन छोड़ी है जगह। सारे कलर हो जाने के बाद जो नीचे हमने डार्क ऑरेंज कलर किया था और उसके ऊपर हमने जो लाइट ऑरेंज कलर दिया था, उसके बाद में एक छोटी सी जगह बची है, वो मैं करना भूल गई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था इसमें कौन सा कलर दूं। तो जब सारे कलर हो गए तब फाइनल हुआ कि इसके अंदर भी इसी कलर से मिलता हुआ होना चाहिए। तो वहां मैंने पीच कलर दिया है, हल्का सा ऑरेंजपन पर है पर बहुत सुंदर दिख रहा है। तो सारे हमारे जो पेस्ट का काम है वो तो पूरा हो गया और जो हमने जगह खाली छोड़ी है अब हम उनके अंदर कलर करेंगे। तो ये जो बिग वाला जो स्पेस है वहाँ मैंने मैजेंटा कलर किया है और लास्ट में जो जगह छोड़ी है लाइट स्काई ब्लू कलर के बगल में वहाँ मैंने डार्क ब्लू कलर किया है। तो सारा जो लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन है वो हमारा कम्प्लीट हो गया और बहुत सुंदर दिख रहा है। तो यहाँ मेरा पेस्ट और कलर दोनों का काम तो कम्प्लीट हो गया है, लेकिन अब मुझे कुछ डिफरेंट करना है, यानी कि जो हमारी टिश्यू पेपर आर्ट है वो और भी खूबसूरत लगे और जब हम इसको अपने घर में लगाएं तो ये बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिखे। तो यहाँ मैंने आज बॉल चेन लगाई है, ये गोल्डन कलर की बॉल चेन है जिसे मैंने साइड से किनारी से लगाया है। नीचे भी जहाँ मैंने जगह छोड़ी है वहाँ भी लगाया है और बीच में लगाने के बाद ऊपर भी जो हमने लाइट स्काई ब्लू कलर किया था उसके भी चारों तरफ लगाया है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर जो गोल्डन कलर का इफेक्ट है जो बॉल चेन के रूप में आ रहा है वो बहुत सुंदर दिख रहा है। अभी आप जब पूरी आर्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आज हमने बनाया क्या है, क्योंकि अभी आप सिर्फ एक पीस तैयार होते हुए देख रहे हैं। और गोल्डन कलर की बॉल चेन लगाने के बाद अब लगाएंगे हम मिरर। और हाँ फ्रेंड्स, मिरर लगाने से पहले हम करेंगे क्लियर बार्निश, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और इसके ऊपर मैं हमेशा क्लियर वार्निश जो करती हूँ स्प्रे वाली करती हूँ, क्योंकि जो हमारा टिश्यू पेपर आर्ट है वो एक टेक्सचर आर्ट है और इसके ऊपर अगर हम वैसे वार्निश करेंगे तो एकदम से नहीं आ पाती है सही। तो यहाँ मैंने डायमंड शेप के मिरर लगाए हैं और सबसे लास्ट में ऊपर राउंड शेप के मिरर लगाए हैं। और नीचे लगाए हैं स्क्वायर शेप के मिरर। और अब देखिए पूरी आर्ट हमारी कंप्लीट हो गई है। चलिए चारों पीस को रखकर देख लेते हैं कैसे लग रहे हैं और इन्हें आप कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आज का वीडियो? है ना बहुत सुंदर आर्ट, बिल्कुल कारपेट लुक की तरह। आप देख सकते हैं जो इस तरह से रखी हुई है तो कितनी प्यारी लग रही है, कितनी डिफरेंट तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं ये भी आपने देख लिया। साथ ही हम इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं किसी भी खास ओकेजन पे, जैसे कोई त्योहार है, किसी का अगर मकान लिया है, कोई उद्घाटन करता है जैसे, तो हम उस पर गिफ्ट करते हैं, तो वहाँ भी हम इसे कर सकते हैं। और इसके अंदर मैंने एक चीज बाद में की है जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ मैंने जो व्हाइट कलर किया है ये मैंने बाद में किया है। आपके साथ मैंने जो वीडियो में बताया था वो मैंने पीच कलर बताया था, तो यहाँ मैंने एक कलर चेंज किया है वीडियो में। तो वीडियो में तो मैं नहीं दिखा पाई थी लेकिन मैंने जब बाद में चेंज किया तो वो आपको बता रही हूँ कि यहाँ मैंने व्हाइट कलर किया है। पहले मैंने पीच कलर किया था, उस टाइम तो मुझे अच्छा लगा लेकिन बाद में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। फिर मैंने ये व्हाइट कलर किया है और आप देख सकते हैं कि हम अगर कलर कहीं पर भी छूट जाता है या अच्छा नहीं लगता है तो हम दोबारा से इसको कलर भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने व्हाइट कलर किया है।
तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए, ऑल पर क्लिक करिए, जिससे नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। मिलते हैं एक नई आर्ट के साथ। बाय।